खबरों की सिटी बेन शर्मा स्पीक, मैं कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हम लोगों से पूछेंगे। भाजपा कह रही है 9 साल रहे बेमिसाल, ये 9 साल हो चुके हैं मोदी साहब के गवर्नमेंट बने हुए। हम पब्लिक से पूछेंगे, उनका ओपिनियन भी पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि सरकार ने कैसा काम किया है 9 सालों में, मोदी सरकार ने कैसा काम किया है। पब्लिक की राय लेंगे, पब्लिक से जानेंगे। उनका अलग सवाल है, 9 साल बेमिसाल मना दे बीजेपी कार्यकर्ता कि 3 मई तो लिए 3 जून तक, तो उसके बोलते हो इस राज महंगाई घटी है बधी है, क्या सिस्टम है? महंगाई तो बधी है, घटी दी नहीं है। नौकरियां बेरोजगारी बधी है, कोई थोड़ा नहीं, नौकरी का नाग नहीं रहा हूं। जरा कोई पढ़े लिखे है कोई, वह भी खजल होता रहोग, कुछ का कोई है नहीं। चाचू तुस के बोलते हो बीजेपी राज नौकरियां बधियां कि घटी जान? मैं ना पढ़े दा नाम नहीं आंदा, नहीं फिर भी इयां फिर भी दसो ना, तुस तुहें के लगदा सड़कां बणियां ने, बिजली दे बिल चला दे? मैं ग्रां च रहंदे हो ना, ग्रां च बिजली ठीक है चलाई? ग्रां कट कुट दे हुंदा ही है, बिजली दा किले कट हुंदा, किले दिहाड़ी आए। बाकी जिहड़ी नौकरी पेशा ठीक है, मुड़े नौकरियां लब्भा दियां नहीं? नौकरियां है नहीं, मुड़े घर वेले बैठे ने सारे वेले। हांजी हांजी, बीजेपी राज नौकरियां बधियां कि घटियां, के सिस्टम है? अगे भी इला अज भी इला, कि नौकरी कि जनरल कोटे की नौकरी पहले भी नहीं, अज भी नहीं दी, अज भी उ कल भी इला। ते बाकी सड़कां बना दी ने बोल देने, सब कुछ बना दा, कि चीज नहीं बना, लोग आदे महंगाई कोई कौन आ रहा, महंगाई कोई महंगाई नहीं है, लोग इन्ना बकवास करा दे, महंगाई ने ना कोई महंगाई नहीं है, सिर्फ बकवास नाम महंगाई है। तुझे एडे रोड बना दे, घर लाने नहीं पैसे, हाँ सिरा ही लाने ना, गवर्नमेंट ने कोई घर नहीं लाने, ये चीज है। जे फैसिलिटी तुम सारी दुखते हो, करा लो, महंगाई हुई है, महंगाई हुई है, महंगाई तो होनी ही होनी है, चीजा कुछ बननी, उन्हें घर थोड़े लाने पैसे। उनका मतलब है कि महंगाई नहीं हुई है, कोई महंगाई नहीं है। चलो ठीक है, सवाल है, भाजपा 9 साल मना दे, 3 मई तो लेकर 3 जून तक भाजपा 9 साल मना दे, और बोला दे कि सब कुछ लभे हिंदुस्तान में, रोजगार भी लभे, बेरोजगारी भी खत्म हुई है, महंगाई घटी दी है, तुम क्या बोलते महंगाई? मैं सर कहना कि महंगाई बढ़ गई है, घटी नहीं है, और कुछ भी ये कोई आने वाली समय के कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिले सर। मैं कारपोरेशन म्युनिसिपैलिटी से बोल रहा। अच्छा अच्छा, और क्या बोलना चाहते हो? और बस ऐदा ही काम चलन दिया, दो बंद देन दिया, एक बंद की तनखा, कुछ नहीं। महंगाई बढ़ी है कि कम? महंगाई तो बढ़ी है। आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग सारे? हम लोग जा रहे हैं भटिंडी काम पर, भटिंडी जा रहे हैं काम पर। आप झाड़ू लगाते हैं रोड के साइड में, कैसा महंगाई बढ़ी है, क्या हुआ है? बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, खाने पीने का सामान हर एक चीज बढ़ा हुआ है, दाल सब्जी हर एक चीज का, कोई भी गाँव में पहले वो मिट्टी का तेल 20 रुपया 19 रुपये में मिलता था, आजकल तो 40-50 हो गया है मिट्टी का तेल। गांव में हर एक चीज, अब गांव के लोगों को कुछ काम नहीं है, वो चलाते हैं क्या बोलते हैं उसको नरेगा, उसमें भी पूरी 200 दिहाड़ी भी नहीं है, नहीं? वो भी एक हफ्ता चलाएंगे, पूरे साल वो चल जाएगा क्या? 200 कितनी दिहाड़ी बोली आपने? 200 रुपया, पता नहीं 1 रुपया 2 रुपया कम, 210 ना, 204 रुपया, 204 रुपया एक दिन की दिहाड़ी, एक दिन की दिहाड़ी 204 रुपए, 101 दिन की दिहाड़ी है। तो तेल किस तरह लीटर है जो इस्तेमाल करते हैं तड़के वगैरह के लिए? 140-150 रुपए का। चलो ठीक है जी, ओके। तो देखो हम लोगों को तो गरीबों को अगर वहाँ मिल जाता गांव में हमें, तो इधर प्रदेश में आना नहीं पड़ता, उधर तो कुछ काम ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को छोड़कर, 7 साल का बच्चा था मेरा, उसको मैं वो चूल्हे से खाना बनाता था लकड़ी जलाते, और वो खुद घर का काम करके बेचारा पढ़ने जाता था, सोचो कैसे की जिंदगी उसने बिताई होगी। तो हर एक चीज की महंगाई भी बढ़ा दी, हम लोगों के परेशानी हर गांव में, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ में, सब छत्तीसगढ़ के लोग कहीं जम्मू में, कहीं दिल्ली में, कहीं हर जगह मौजूद है गरीब इंसान। अगर हमारे भी छत्तीसगढ़ में ऐसा काम मिलता तो हम लोग इधर क्यों आते? इधर हम लोग रोड में झाड़ू लगाते हैं, रोज जाते हैं काम पर, बारिश होती है तो हमारे छुट्टी हो जाती है। ओके ओके, थैंक सिंह साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, भाजपा कह रही है 9 साल रहे बेमिसाल, मोदी सरकार के 9 साल हो चुके हैं, सर आपको क्या लगता है कैसा काम किया है सरकार ने? हमें अच्छा नहीं लगा जी। क्यों सर, क्यों? बहुत ऐसे ही, थोड़ा बोलिए ना, क्यों? रोज बेरोजगारी की वजह से कोई और मुद्दा रहा, क्यों बताइए ना सर। नहीं अच्छा नहीं, हर मतलब के जगह में माए सिकनेस है। किस चीज की सिकनेस? सिकनेस हर चीज की, बस
कभी क्या रूल कभी क्या रूल। रूल आपको पसंद नहीं आए? नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। तुस राशन गरीब आले तुस भी अपना घर चलांदे हो, सर्कल चलांदे हो, बोलदे नो सर। साडे वास्ते महंगाई बथेरी है। किस तरह की महंगाई हुई है? महंगाई है, पट्ठे जेड़े महंगे, बंडा महंगा, दूध दा रेट ही कोई नहीं। बाकी सिलेंडर वगैरा तेल शेल नौकरियां वोकरियां नौकरियां नौकरियां असि बेचारे डंगर जाने सारे नौकरियां। मैडम जी एक सवाल है, मोदी सरकार 9 साल बेमिसाल मनाने जा रहा है, 9 साल हो चुके हैं मोदी सरकार के, आपको क्या लगता है कैसा काम किया है इस सरकार ने? बहुत अच्छा काम किया है, भारतवर्ष को बहुत आगे ले चुके हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज हम जाने जाते हैं। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रधानमंत्री ये बोले कि मोदी इज माई बॉस, ये मेरे दिल की आवाज़ है, तो कोई कहता है कि मोदी जो है वो जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं ये, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी बहुत आगे ले चुके हैं, भारत देश का नाम उज्जवल कर रहे हैं। आप हमारे नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट में देखिए वहाँ के हालात कैसे हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, आटे की बोरी के लिए लोग मर रहे हैं, मोदी जी आतंकवाद और विस्तारवाद नहीं, एक सवाल, एक सवाल मैडम जी, मैडम जी एक सवाल, जो बेरोजगारी है वो तो खत्म नहीं हुई अभी तक? मुझे एक बात बताइए, बेरोजगारी कहाँ नहीं है, सारे विश्व में है बेरोजगारी, यूक्रेन युद्ध हो रहा है और रशिया का कितना नुकसान हुआ है इससे अर्थव्यवस्था पर, विश्व की बेरोजगारी है, हर देश में है, लेकिन स्टार्टअप योजना जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें सरकार की ओर से भी एड मिलेगा और वो अपनी योजनाएं कर सकते हैं, उनको भी काफ़ी मान्यता मिली है और कई लोगों ने इसमें करोड़ों रुपए कमाए हैं और उन्होंने बोला है जो हमने इस योजना के अंतर्गत कार्य किया है हमने अपना आर्थिक काफ़ी सुधार किया है। और मैं ये कहूँगी कि ऐसा प्रधानमंत्री ना मिला है ना मिलेगा, आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों को ये कड़ा प्रहार कर रहे हैं। कमल सम्मोहन है, कमल आत्मविश्वास है, कमल की ओर अग्रसर कर रहा है। थैंक यू। ये सारा दृश्य आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा, आगे भी बने रहें रफ्तार जम्मू के साथ। जय हिंद।